हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 20 पढ़ रहे हैं। अगर आप आईआईटी जेम सीएसआईआर नेट गेट एंट्रेंस पेपर फॉर एमएससी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बीएससी एमएससी या एसआरएफ सीयू सेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें बता रहे हैं। सपोज ये क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रोल्स के एंड डब्ल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू ई एक्स लॉग एक्स। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को डेफिनेटली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो रॉन्ग करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने पढ़ा डायरेक्टली कि रोल्स के निकालना है, वो पढ़ते हैं रोल्स के निकालना है और उसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यह दे रखा है रोल्स के डब्ल्यू फॉर द करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमें रोल्स के निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहले इसकी हमें करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी होगी। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए इस इक्वेशन की सिंपली आरएसएस साइड को जीरो पुट करना होगा। तो ये हमने आरएसएस साइड को जीरो पुट किया, माइनस टू वाई प्लस वाई टू वाई डैश इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास आ गई इसकी होमोजीनियस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का रोल स्केयर हमें पूछा गया है। अब फिर तो इसके लिए पहले एक्सेलरेटर इक्वेशन निकालते हैं। एक्सेलरेटर इक्वेशन क्या होती है? जहां पे भी डबल डैश हो वहां एम स्क्वायर माइनस टू एम जहां पे और प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां से हमारे पास आया एम माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां हम गए एम बराबर वन एंड वन। तो यहां से इसके एक्सेलरेटर इक्वेशन से एम की दो वैल्यू आ चुके हैं वन एंड वन। तो यहां से अगर हम सी एफ या सी एफ लिखना चाहें तो सी एफ हो जाएगा या वाई बराबर, क्योंकि हम इसका ही सोल्यूशन देख रहे हैं आर एच एस में जीरो है, तो इस कंडीशन में y ही CFE से सॉल्यूशन होगा। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास C1 प्लस C2x, C1 प्लस C2x e टू दी पावर x, ये हो गया। या इसको लिख सकते हैं C1 e टू दी पावर x प्लस C2x e टू दी पावर x, ये हो गया हमारे पास। अब यहां से हमारे पास अगर देखें तो इसके दो सॉल्यूशन, दो पार्ट है सॉल्यूशन के। ये है हमारे पास y1 एंड y2, यानी ये वन y1 x एंड y2 x, ये पार्ट है हमारे पास। अब फिर ये पार्ट है तो इसकी हेल्प से हमें रोल्स स्केयर निकालना है। रोल्स स्केयर क्या होता है? w बराबर ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो ये हो गया हमारे पास। तो अब यहां से इसका रोल्स स्केयर निकालना है तो y1 क्या है हमारे पास? e टू द पावर x, e टू द पावर x। y2 क्या है? y2 x हमारे पास क्या है? x e टू द पावर x, x e टू द पावर x। एंड यहां पे अगर हम देखें तो y1 डैश, y1 डैश है e टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू द पावर x ही। y2 डैश का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव अगर निकालना चाहें तो हमारे पास इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। पहले x को छोड़ा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव किया, फिर हमने e टू द पावर x को छोड़ा और x का किया तो प्लस e टू द पावर x, यानी x प्लस वन e टू द पावर x, ये आ जाएगा। तो ये हो गया x प्लस वन e टू द पावर x। अब ये हो गया हमारे पास। अब यहां से हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या कर रहे हैं? e टू द पावर x पहली रो में से कॉमन ले रहे हैं और सेकंड रो में से e टू द पावर x कॉमन ले रहे हैं। डिटरमिनेंट में जब फिर सब कुछ भी कॉमन लेते हैं, डिटरमिनेंट के अंदर कुछ भी कॉमन लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो या तो एक रो में मल्टीप्लाई होता है या डिवाइड होता है या एक कॉलम में होता है। अब हम यहाँ पे एक रो से ले रहे हैं, आप कॉलम से भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ हमने रो में एक रो से e टू द पावर x लिया, दूसरे रो से e टू द पावर x लिया, तो टोटल जो कॉमन आया वो e टू द पावर 2x आ गया अपॉन ये हो गए 1x, 1x प्लस 1, ये हो गया हमारे पास। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर 2x। अगर इसकी हम वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा x प्लस वन माइनस मल्टीप्लाई ऑफ दिस टर्म माइनस x, तो x से x कट गया, ये आ गया e टू द पावर 2x। तो फ्रेंड्स, ये इसका रोल्स स्केयर आ गया, रोल्स स्केयर ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। जैसे मैंने बताया मोस्टली क्वेश्चन स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें जब रोल्स स्केयर निकालते हैं तो इस पूरे का सॉल्यूशन निकालने लग जाते हैं और उसके बाद रोल्स स्केयर निकालते हैं। जबकि हमसे पूछा है सिर्फ इसमें इतना ही गया कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का रोल्स स्केयर निकालिए। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।